session where we are going to practice PYQs of unit number 2 Western Political Thinkers. एक बार सबसे पहले कंफर्म कर दीजिए वीडियो ऑडियो पीपीटी ठीक है. एम आई क्लियरली विजिबल क्लियरली ऑडिबल अलॉन्ग विद दैट पीपीटी इज क्लियर और नॉट. प्लीज कंफर्म वन सो दैट वी कैन स्टार्ट. यस गुड इवनिंग रिंकल एकता आलम अमित संजू मान सिंह सलोनी वेलकम टू द क्लास. श्वेता गुड इवनिंग वेलकम टू द क्लास. एक बार कंफर्म कर दो वीडियो ऑडियो पीपीटी के लिए सब ठीक है तो फिर हम क्लास को शुरू करें. ऑल्सो क्लास को शेयर कर दो सारे अपने दोस्तों के साथ. सबसे कह दो कि जल्दी से लाइव आ जाएं बिकॉज पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस सेशन लाइव हो चुका है. यस ऑल क्लियर ओके ओके थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर कन्फर्मेशन. गुड इवनिंग पूजा गुड इवनिंग एकता सुषमा गुड इवनिंग वेलकम टू द क्लास. दो मिनट वेट करेंगे हम. सारे अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दो. आस्क एवरीवन टू ज्वाइन लाइव. मैंने भी शेयर कर दिया है आप भी शेयर कर दीजिए. एंड जो क्लास में आ चुके हैं राइट हाय हेलो गुड इवनिंग इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो लाइक द सेशन एंड वी विल स्टार्ट देन विद पीवाईक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 2. गुड इवनिंग प्रियंका गुड इवनिंग अक्षय. ठीक है हाँ मैं तो कर चुकी हूँ पूजा. अगर आपके और भी कोई ग्रुप्स हों और भी कोई दोस्त हों उनको भी शेयर कर दीजिए. ठीक है जी चलिए तो शुरू करते हैं. प्रियंका महाराणा प्रियंका कंबोज गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास. शुरू करते हैं. रिवीजन करके आए हैं यूनिट नंबर 2 का. रिवीजन करके आए हैं यूनिट नंबर 2 का. हेलो एकता वेलकम टू द क्लास. रिवीजन करके आए हैं यूनिट नंबर 2 का. एक बार कंफर्म कीजिए. ठीक है करके आए हैं वेल एंड गुड. नहीं करके आए हैं अगर तो फिर क्या करना है तो फिर आपको रिविजन कर लेना है इस क्लास के बाद. बिकॉज स्टूडेंट्स ये आपका जो भी प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं दीज ऑल आर गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपियर इन जून 2024 एग्जामिनेशन. मैं भी आपके कुछ फ्रेंड्स का जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है इंटरव्यू ले रही थी एंड दे वर टेलिंग मी कि जो ये प्रैक्टिस सेशंस होते हैं यूजीसी नेट के अपार्ट फ्रॉम दैट सेट के यूट्यूब पर ऐप पर वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव हुए व्हेन दे वर अपीयरिंग इन दिसंबर एग्जाम एंड दे वर द वन हु आर सक्सेसफुल टुडे. दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम. तो उनका कहना था कि मैम रैंडम क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते थे फिर चेक करते थे कि कौन सी यूनिट वीक है और हमें उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. वो इंटरव्यू बहुत जल्द आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे. ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज चैनल पर पब्लिश हो चुके हैं तो आप उनको भी गाइडेंस के लिए मेंटरशिप के लिए रिफर कर सकते हैं. ठीक है चलिए. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टेस्ट टुडे. 25 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. हम आंसर डिस्कस करेंगे और फिर हम फटाफट आगे बढ़ेंगे. ठीक है ये PYQs हैं यूनिट वाइज टेस्ट फ्राइडे को होता है. ये PYQs का डिस्कशन है मान सिंह. और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है मेरे खुद के ग्रुप पर तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए एट चांदनी PS. वहाँ पे मैंने इस मंथ के टॉपिक्स की लिस्ट डाल दी है कि इस मंथ मैं कौन कौन से टॉपिक्स किस डेट को लेने वाली हूँ. द होल लिस्ट आई हैव रिलीज्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल. अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. और शुरू करते हैं आपका आज का क्लास. लेट मी सी लिटिल लिटिल आलम कह रहे हैं ओके. सो रिवाइज नहीं किया कर लीजिएगा कोई बात नहीं. विश्वजीत गुड इवनिंग. रिया गुड इवनिंग. प्रियदर्शनी काजल गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास. यहाँ पर पोल नहीं होगा पोल ऐप पे मिलेगा आपको 7 बजे. गुड इवनिंग पंकज. चलिए शुरू करते हैं. क्लासेस का टाइमिंग आपको पता है मंडे टू फ्राइडे 5 बजे YT 7 बजे ऐप. और कल है वेंसडे तो कल की क्लास क्या होगी. कल की होगी करंट अफेयर्स की क्लास. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है करंट अफेयर्स की क्लास कल 5 बजे और 7 बजे यूट्यूब और ऐप पर. तो कल ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ. चलिए अभी टेस्ट को शुरू करते हैं एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. पहला सवाल आपके सामने है. What was Hannah Arendt's view on relationship between freedom and political action?
ओके ओके मानसी। गुड इवनिंग संगीता, वेलकम टू द क्लास। चलिए बताइए। मैं 1 मिनट के लिए आपके स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप पढ़ सकें सारे ऑप्शंस और मुझे आंसर दे सकें। हेलो, गुड इवनिंग खुशबू, आते जाइए क्लास में। हाय हेलो गुड इवनिंग लिखते जाइए सो दैट आई कैन नो दैट आप आ चुके हैं। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। गुड इवनिंग रूमा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का आंसर है बी, बाकी सब सी दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं सारे स्टूडेंट्स आंसर कीजिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं है, बी है। क्या है देखते हैं। हेना आरेंट का रिलेशनशिप फ्रीडम और पॉलिटिकल एक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या मत था। पॉलिटिकल एक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन फ्रीडम बट इट कैन ऑल्सो लीड टू ऑपरेशन एंड टायरनी। पॉलिटिकल एक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन फ्रीडम, पॉलिटिकल एक्शन जरूरी है स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, पर यह टायरनी की तरफ, अत्याचार की तरफ या उत्पीड़न की तरफ भी लेकर के जा सकता है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। हेना आरेंट कहती थी फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहरी रुकावटों की कमी नहीं है बल्कि फ्रीडम का मतलब है कि आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, आप अपने पॉलिटिकल पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं। हेना आरेंट ने कॉन्सेप्ट दिया कि टोटेलिटेरियनिज्म जो है सर्वसत्तावाद, उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे का कारण है कि आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है और सरकारों को लग रहा है लोगों का उन पर ध्यान नहीं, तो सरकारें अपनी सत्ता को मिसयूज कर रही हैं। थ्योरी ऑफ एक्शन में भी उन्होंने यही बताया, बट उन्होंने फ्रीडम के दुरुपयोग को भी हाईलाइट किया। मतलब उन्होंने ये कॉशन भी दिया कि स्वतंत्रता को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूटिलाइज कीजिए, ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता जो है उससे आपका जो तरीका है स्वतंत्रता को यूज करने का वो ऑपरेशन या टायरनी में सिस्टम को बदल दे। मतलब आपकी स्वतंत्रता किसी और के लिए हानिकारक ना हो। कुछ भी लिमिटेशंस के बिना नहीं आता, लिमिटेशन सब पे रहती है। ठीक है, सो बी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। चलिए, हेलो कामरान, वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सी बी अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं इसके भी, क्या हो गया भाई देखते हैं। चलिए सारे स्टूडेंट्स आंसर कीजिए। द करेक्ट आंसर इज सी, मेनी ऑफ यू आर करेक्ट। सिविल सोसाइटी, एंटोनियो ग्रामसी ने सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था। सिविल सोसाइटी के डिस्टिंक्शन को भी पढ़ा था हमने कि सिविल सोसाइटी का मतलब वैसे क्या है और ग्रामसी के हिसाब से क्या था। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, सिविल सोसाइटी। वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट इज सिविल सोसाइटी जो कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में है। एक टेबल भी बनवाई थी मैंने आपको आपके नोट्स में, अगर आप मेरे एंटोनियो ग्रामसी वाले क्लास में थे शायद पेड बैच में बनवाई होगी। सो सिविल सोसाइटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामसी। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट आइडियोलॉजी शुड नीदर बी थॉट ऑफ एज लिबर्टिंग और ऑप्रेसिंग नॉर एज ट्रू और फॉल्स। इट कैन बी एनी ऑफ दीज थिंग्स। गुड इवनिंग पूजा, चलिए बताइए क्या है सही जवाब इसका।
सारे के सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे. ओके, द करेक्ट आंसर इज ए, एंड्रयू हीवर्ट. जॉन रॉल्स नहीं है. आपको लगा यूनिट नंबर टू का टेस्ट है तो रॉल्स होगा. वन एंड टू इंटर रिलेटेड है, मैंने आपको पहले भी बताया है. द करेक्ट आंसर इज एंड्रयू हीवर्ट. पी वाई क्यू है, इसका मतलब 2016 का पेपर किसी ने नहीं लगाया है अभी तक, तभी सब गलत आंसर दे रहे हैं. यस प्रियंका, यू आर करेक्ट. स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यू आर करेक्ट. एंड्रयू हीवर्ट इसका सही जवाब है. हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट आइडियोलॉजी शुड नीदर बी थॉट ऑफ एज लिबरेटिंग और ऑप्रेसिव नॉर एज ट्रू और फॉल्स. इट कैन बी एनी ऑफ दीज. व्हाइट एंड ब्लैक में विचारधारा को नहीं आपको बांटना चाहिए कि या तो लिबरेटिंग है या तो ऑप्रेसिव है, या तो सही है या तो गलत है, या तो सत्य है या तो झूठ है. नहीं, कुछ बीच का भी हो सकता है. गोल्डन मीन, ठीक है, कहने वाले हैं एंड्रयू हीवर्ट, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आइडियोलॉजीज आर नीदर गुड बैड ट्रू फॉल्स ओपन क्लोज लिबरेटिंग ऑप्रेसिव, रादर आइडियोलॉजीज आर एक्शन ओरिएंटेड सिस्टम थ्रू विच मेन एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द एंड्स एंड मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइज सोशल एक्शन. राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ. आसान है, बताइए. गुड इवनिंग राकेश, दैट्स ओके, नो वरीज, अभी से आप आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कीजिए. चलिए बताइए. द करेक्ट आंसर एज टोल्ड बाय ऑल ऑफ यू, एज आंसर्ड बाय ऑल ऑफ यू इज ऑप्शन नंबर बी. जॉन लॉक ने फिड्यूशरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, फिड्यूशरी ट्रस्ट क्या है? फिड्यूशरी ट्रस्ट बेसिकली देख लेते हैं. Is the concept of trust in Lockean context signifies the most potential evidence that sovereignty resists in the people. Fiduciary trust का मतलब क्या है, आप बताइए मुझे. The legislative, though it may be the supreme power while government subsists, is ultimately only a fiduciary power. By the exercise of trust, it is the community who decide whether or not the social contract between people or government remains valid. The power to pull the plug, so to speak, is always at disposal. This is why it is so important to Locke, because his belief in the equality and freedom native to the people or person of each individual does not allow for any man to come under the arbitrary power of others. Fiduciary trust ka jo concept hai wo fiduciary power se aa raha hai. Fiduciary power matlab vah power jo ki logo ke paas hai. Vah power jo ki logo ke paas hai, jisse log decide karte hai ki social contract लोगों और गवर्नमेंट के बीच में जो है वो वैलिड है कि नहीं. आपको पता है लॉक लिबर्टेरियन थिंकर है. लॉक ने पावर्स के डिवीजन दिए हैं, उसमें से एक क्लासिफिकेशन में फिड्यूशरी ट्रस्ट या फिड्यूशरी पावर भी एक क्लासिफिकेशन है, जिसमें पावर लोगों में निहित है. ये कॉन्सेप्ट जॉन लॉक ने आपके सामने रखा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है. कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की, पढ़िए और बताइए. बी और ए आपका आंसर आ रहा है. डी भी आपने आंसर दिया. द करेक्ट आंसर इज बी. द करेक्ट आंसर इज बी. द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इनके पेपर का नाम था. ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज इनके किताब का नाम था, जिसमें उन्होंने हिस्टोरिसिज्म को क्रिटिसाइज किया. हिस्टोरिसिज्म का मतलब क्या है कि इतिहास के फिक्स्ड लॉज हैं, फिक्स्ड ट्रेंड्स हैं, जो कि आउटकम की तरफ लेकर के जाते हैं. इतिहास के कुछ फिक्स्ड लॉज हैं, फिक्स्ड ट्रेंड्स हैं, जो कि आउटकम की तरफ लेकर के जाते हैं. इसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने. प्लेटो हीगल को क्रिटिसाइज किया, एंड यस राकेश, कार्ल मार्क्स को भी क्रिटिसाइज किया. प्लेटो हीगल एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है, उनके हिस्टोरिसिज्म को क्रिटिसाइज किया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे.
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं एक एक सेकंड के लिए ये रोकती हूँ, क्लास के बाद भी आप चाहें तो वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए। चलिए अब आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी। हु इज द ऑथर ऑफ ए माइल? हु इज द ऑथर ऑफ ए माइल? बताइए, हॉब्स लॉक, रूसो या प्लेटो, हु इज द ऑथर ऑफ ए माइल? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, रूसो, जीन जैकस रूसो। इमाइल का दूसरा नाम ऑन एजुकेशन भी है। इमाइल उनकी पुत्री का नाम था। इमाइल किताब में उन्होंने सोफी कैरेक्टर की बात की, या इसे सोफिया भी कहा गया। इस कैरेक्टर को मैरी वोलस्टोन क्राफ्ट ने अपनी किताब द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, जो कि 1792 में पब्लिश होती है, उसको क्रिटिसाइज किया। ये आपका PYQ भी है। अब मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि रूसो की आदर्श महिला थी जो महिला दब के रहे, चुपचाप रहे, आवाज ना उठाए, और इसी कैरेक्टर को मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, जो कि फेमिनिस्ट राइटर हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक है जी, चलिए आज ही सुबह पढ़ाया है बाइलिंगुअल बैच में। अब ऑन एजुकेशन, या इमाइल कब पब्लिश हुई थी? 1762 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अजर्शन रीजन, पढ़िए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ज्योति। चलिए बताइए अजर्शन रीजन का आंसर दीजिए। आज सुबह पेड बैच को पढ़ाया था बाइलिंगुअल बैच में। डी क्या है? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बताइए असर्शन रीजन देख के सबने ए आंसर किया क्या? पढ़ के आंसर देना। द करेक्ट आंसर इज ए। लॉक के लिए नेचुरल राइट्स नेचर का प्रोडक्ट है, क्योंकि स्टेट को इसलिए स्टेट को इन्हें प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करना होता है। ठीक है, तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों के बीच में रिलेशन भी है, क्योंकि स्टेट को इसे प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करना होता है। फॉर जॉन लॉक, नेचुरल राइट्स आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर। नेचुरल राइट्स क्या है? जो कि आपको नेचर में मिलते हैं, प्रकृति द्वारा मिलते हैं, प्राकृतिक अवस्था में मिलते हैं, और राज्य का काम है इसे प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर्स। बताइए कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर्स, बताइए। यस, प्लीज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सी आंसर आ रहा है आप लोगों का। देखते हैं क्या है सही जवाब। लेट अस चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी। वाइल ऑफ इग्नोरेंस किसका कॉन्सेप्ट है? वाइल ऑफ इग्नोरेंस जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट है। एलिनेशन कार्ल मार्क्स। पीस मील सोशल इंजीनियरिंग कार्ल पॉपर। होमवर्क है इसको पढ़ना। एंड नाइट वॉचमैन स्टेट का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। नॉजिक का मैंने अभी आपका क्लास भी लिया था YT का फ्री, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सोनम। जोगेश्वरी पढ़ना क्लास के बाद, नहीं समझेगा तो पूछना, आपको समझ आ जाएगा। आपका मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से पढ़ने में अजर्शन रीजन गलत होते हैं आपके। चलो फिर से ये सवाल आ गया, कोई बात नहीं, एक बार आंसर दे दो, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। दो बार मैं आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, अगर आप क्लासेस में रेगुलर हैं तो। हाँ, इनोवेटिव लर्निंग, द करेक्ट आंसर वॉज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ प्लीज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आप एक बार पढ़ना जोगेश्वरी, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट देन यू कैन आस्क मी। 9th का आंसर दीजिए।
ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. हम बात कर चुके हैं, हायक की किताब आई रोड टू सर्फडम. रोड टू सर्फडम, एफ ए हायक. मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, हायक को पढ़िएगा अलग से. आपने पढ़ा, नोट्स में ऐड किया कि नहीं? रोड टू सर्फडम में उन्होंने बात की है अबाउट स्टेट इंटरवेंशन फॉर सेंट्रलाइज प्लानिंग, और उन्होंने कहा कि दिस वुड टेक इंडिविजुअल लिबर्टीज. ये लिबर्टेरियन थिंकर हैं जो कि राज्य के सीमित रोल को सपोर्ट करते हैं, लेजिस्फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, कीन्स की इकोनॉमिक्स को अपोज करते हैं, वेलफेयर स्टेट को अपोज करते हैं. तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, प्लस रिलेशन भी है. ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. क्यों नहीं पढ़ा काजल, और कब पढ़ोगे? फ्रेडरिक हायक को पढ़ लेना, होमवर्क है आप लोगों का, अच्छे से पढ़ना. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशबू. ओके, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर बी. व्लादिमीर लेनिन ने कहा, व्लादिमीर लेनिन की किताब आई इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916 में, और स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 में. व्लादिमीर लेनिन ने थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म को मार्क्सिज्म की नजर से देखा और कहा कि कैपिटलिज्म का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म, विच वुड रिजल्ट इन द न्यू एज ऑफ सोशलिज्म, जिससे एक समाजवाद का नया युग शुरू होगा. तो बेसिकली लेनिन का फोकस था टू अचीव द रेवोल्यूशन आइडियाज आर रिक्वायर्ड. लेनिन का फोकस था कि आपको अगर ये सोशलिज्म की तरफ बढ़ना है तो विचार आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. इफेक्टिव कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, लेनिन ने क्या कहा, विचार, आइडियाज आर इम्पॉर्टेंट, मटेरियल कंडीशंस इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो ध्यान देना. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की तरफ. पढ़िए, अगर ऐसे ही रेगुलर क्लासेस में आप आते रहे और रेगुलर हम PYQs की क्लासेस लेते रहे तो फिर मैं लेती रही और आप आते रहे तो फिर आपके ऑलमोस्ट जितने भी PYQs हैं वो रेपिटेटिवली आपके बार बार कवर हो जाएंगे. तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये सारे PYQs चले जाएंगे और ये आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, अगर आप पूरा ऑनेस्टी के साथ आंसर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, हॉब्स. यस, फेलिसिटी का कॉन्सेप्ट हॉब्स ने दिया था. हॉब्स ने कहा मैटर इज इन मोशन, मैटर इज इन मोशन, और ऐसा ही मनुष्य भी है. फेलिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया हॉब्स ने, जहां पे हॉब्स ने कहा कि क्या होता है, मनुष्य प्लेजर की तरफ भागता है और पेन से परे भागता है. प्लेजर की तरफ भागता है और इधर प्लेजर है, इधर पेन है, पेन से परे भागता है. ठीक है, ये मनुष्य का स्वभाव है, नेचर है. गुड इवनिंग मोनिका, वेलकम टू द क्लास. क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑफ द फॉलोइंग नोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फेडरेटिव पावर्स ऑफ स्टेट्स. Please answer who of the following notes the existence of legislative, executive and federative powers of a state. Yes, the correct answer is John Locke. Two treaties of government mein unhone executive, legislative aur federative powers ki baat ki. Question number 13, J.S. Mill ke liye kaun sa isme se theek nahi hai? Okay, Ekta, no worries. जेएस मिल के लिए इसमें से कौन सा ठीक नहीं है, सत्य नहीं है? लॉक को लॉक कर दिया जाए, आलम कर दिया गया और आप जीत गए अगले सवाल तक जाने का मौका. फॉर जेएस मिल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बताइए.
जेएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, फेलिसिफिक कैलकुलस व्यर्थ की बात है। उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज द फाइनल एंड ऑफ लाइफ। नो, यूटिलिटी का प्रिंसिपल फाइनल एंड ऑफ लाइफ किसके लिए होगा? जेरेमी बेंथम के लिए होगा। जेएस मिल ने जेरेमी बेंथम, जो कि फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, उनके यूटिलिटी के सिद्धांत को, उपयोगितावाद के सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया। जेएस मिल ने कहा कि यूटिलिटी फाइनल एंड नहीं है, और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आपको ध्यान में रखने होंगे, राइट? सो नॉट ट्रू में थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगा, जो कि जेरेमी बेंथम के लिए सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नितेश, वेलकम टू द क्लास। पढ़िए 2015 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। तीस चालीस स्टूडेंट बैठते हो फ्री क्लास में, अभी इसको हाफ सेंचुरी पहुंचाओ जल्दी, 50 तक पहुंचो। रोज क्लास में रेगुलर आया करो आप लोग, कोई पहले आता है कोई बाद में, तो पीक 40 से ऊपर नहीं जा पाता। कम से कम 50 बच्चे तो बैठो, अब तो एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं बाकी। और जब एग्जाम आता है तब 100 100 120 130 स्टूडेंट्स बैठते हैं। चलो 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेपर। Arendt apostate of reason, he has done more than most to prepare the way for the age of unreason in which he lived. किसने स्टेटमेंट दिया? तर्क का उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। वे पर का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। यहां पर वेपर रूसो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रूसो की आइडियलिस्ट फिलोसफी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आरेंट अपोस्ट ऑफ रीजन, ही हैज डन मोर देन मोस्ट टू प्रिपेयर द वे फॉर द एज ऑफ अनरीजन इन विच ही लिव। रूसो वॉज क्रिटिक ऑफ साइंस इन द एज ऑफ साइंस, रूसो ने साइंस को क्रिटिसाइज किया, तो यहां पे वो रूसो की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बताइए। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। दिस स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, बट कार्ल मार्क्स के कौन से किताब से लिया गया है बताइए। हाँ, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आएंगे क्लास में, फिर उसके बाद पैनिक हो गए, तो रेगुलर अब पढ़ो। फिफ्टींथ का आंसर दीजिए बी, यस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो पब्लिश हुई, मार्क्स और एंजल्स का जॉइंट वर्क है, जिसे बाइबल ऑफ मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, मार्क्सिज्म की बाइबल कहा जाता है। सिर्फ 23 पेज का पैम्पलेट है, क्योंकि मैनिफेस्टो है कम्युनिस्ट पार्टी का। मैनिफेस्टो पता है ना, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, सारी पार्टीज अपना मैनिफेस्टो निकालेंगी। हम राम मंदिर बनवा चुके हैं, अब क्या करेंगे? अब पार्टीज बोलेंगी कि अब हम बनारस में मंदिर बनवाएंगे, मथुरा में मंदिर बनवाएंगे, और CAA तो अभी लागू हो ही रहा है, और बहुत सारे आपसे प्रोमिसेस किए जाएंगे। मैनिफेस्टो पार्टी का आपके सामने आएगा, तो वो जो मैनिफेस्टो है वही पार्टी का आपको प्रारूप बताता है कि पार्टी पावर में आने के बाद क्या करेगी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो था, जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा। 23 पेज का छोटा सा पैम्पलेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोलेटेरियट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बताता है, रेड आर्मी रेवोल्यूशन ऑफ रशिया के बारे में भी हाईलाइट करता है हमें, राइट? इसमें लिखा है उन्होंने, ईच अकॉर्डिंग टू नीड्स इंस्टेड ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। एक तो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, कौन सा? द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, सारे विश्व के वर्कर्स यूनाइट हो जाएं, आपके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए सिर्फ अपनी जंजीरों के अलावा। दूसरा स्टेटमेंट ये भी इसमें लिखा है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स इंस्टेड ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। हर एक व्यक्ति को उतना दिया जाए जिसकी उसको जरूरत है और जितना वो काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ काशी बाकी है, ठीक है। चलिए
सोलवे का आंसर दीजिए, 16th का। आप तो इमोशनल हो जाते हैं बिल्कुल। क्लासेस डेली होती हैं खुशबू, मंडे टू फ्राइडे 5 and 7 PM। गुड इवनिंग विजेंदर। आप लोग तो बिल्कुल मैनिफेस्टो के नाम पे इमोशनल हो जाते हैं। अभी देखते हैं क्या क्या आता है पार्टी के मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देना, ठीक है, जिसका मैनिफेस्टो इम्प्रेसिव लगे। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके और हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी, हमारा धर्म, हमारा कास्ट इस व्यक्ति को वोट देता है तो हम उसी को वोट दें। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं आप लोग, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग एजुकेटेड सरकारों को ही, एजुकेटेड लीडर्स को ही वोट देंगे अपने अपने क्षेत्र से। चलिए 16th का आंसर दीजिए। ठीक है, द करेक्ट आंसर, पहले दो तीन स्टूडेंट्स को और आंसर आ जाए, जल्दी आंसर कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओ, ये क्या हो गया मैम, असर्शन रीजन में तो ए या बी आंसर होता है, आप इस भ्रम में तो नहीं थे? यहां पे सही जवाब सी है, जो कि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने सही जवाब दिया है। अपना नाम नहीं बताते ये स्टूडेंट, क्या नाम है इनका। आपका सही जवाब है और बाकी खुशबू, अक्षय, आपका भी सही जवाब है। आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ग्राम्सी डेवलप्ड द आइडिया ऑफ कल्चरल हेजमनी इन हिज प्रिजन राइटिंग्स। ग्राम्सी ने कल्चरल हेजमनी का आइडिया अपनी प्रिजन राइटिंग्स में डेवलप किया। रीजन, द आइडिया केम एज पार्ट ऑफ हिज प्रेज ऑफ द डिटर्मिनिस्टिक इकोनॉमिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री बाय द मार्क्सिस्ट थिंकर। नो, यह विचार मार्क्सवादी विचारकों द्वारा इतिहास के नियतात्मक अर्थशास्त्री व्याख्या की उनकी प्रशंसा के हिस्से के रूप में आया था? नहीं। देखिए, ग्राम्सी ने क्रिटिसाइज किया इकोनॉमिस्ट इंटरप्रिटेशन को। अगर आपने ग्राम्सी को पढ़ा है तो आपको पता है कि बेस और सुपरस्ट्रक्चर में बेस इकोनॉमी है, सुपरस्ट्रक्चर बाकी सब। इस आइडिया से ग्राम्सी अग्री नहीं करते थे। ग्राम्सी ने इसको क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की, और इंस्टेड ऑफ दिस कल्चरल बेस की बात की कि कल्चर भी बेस में है, इकोनॉमी नहीं। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th आंसर दीजिए। ओके ओके, यही भ्रम है, ए और बी आंसर देते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, अब आंसर दीजिए 17th का। Yes, he criticized that, right, Khushbu? Please answer for question number 17. Okay, the correct answer is A. Who among the following conceived the society as a cooperative venture for mutual advantage? Rawls. Rawls ne kaha ki समाज क्या है, म्यूचुअल एडवांटेज, एक दूसरे के एडवांटेज के लिए कोऑपरेटिव वेंचर है, सब साथ में आकर के काम करते हैं। वाइल ऑफ इग्नोरेंस की भी तो बात की उन्होंने, लोग एकत्रित हुए हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस, लोग एकत्रित हुए हैं प्राइमरी गुड्स को बांटने के लिए, लोगों को अपनी स्थिति का पता नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओरिजिनल पोजिशन, जिसे स्टेट ऑफ नेचर कहा हॉब्स लॉ रूसो ने, उसे रॉल्स ने ओरिजिनल पोजिशन कहा। चलिए 18th का आंसर दीजिए। असर्शन रीजन, assertion reason, 18th का आंसर दीजिए। डी है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलिए आंसर कीजिए। द करेक्ट आंसर इज ए, बी, डी आ गया, कोई सी भी लिख दो भाई। द करेक्ट आंसर इज ए, दोनों ठीक है, रिलेशन भी है। फॉर रूसो थिंकिंग मैन इज डिप्रेव्ड एनिमल। अगर आप तर्क का यूज करेंगे तो आप दुराचारी पशु हैं।
क्योंकि रूसो तर्क की बात नहीं करते, कहते अगर आपने तर्क लगाया तो आपकी मानव के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कम हो जाएंगे। अगर सपोज मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जब रूसो पढ़ाती हूँ, अगर सपोज आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपसे बेगर आपके सामने आता है, भीख मांगता है, आपका तर्क कहेगा कि अरे इतना हष्ट पुष्ट है तो हम इसको क्यों बेगरी दें, हम इसको क्यों कुछ पैसे दें, क्यों इसकी मदद करें, ये कमाता क्यों नहीं है। लेकिन अगर आप ह्यूमन कंपैशन की बात करें, तर्क को किनारे रखें, तो आपका मन करेगा कि गरीब है, अगर हम सक्षम हैं तो हम उसकी मदद करें। तो रूसो कहते हैं कि आपका कंपैशन, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस कम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं अगर आप साइंस या तर्क का प्रयोग करते हैं। तो रीजन, कॉमन इमोशंस गिव वैल्यू टू लाइफ। कॉमन इमोशंस जैसे कि कंपैशन, जैसे कि ट्रूथ, जैसे कि सहानुभूति, जो कॉमन इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस, ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो कहते हैं कि ज्यादा सोचेंगे तो आप डिप्रेव्ड एनिमल हैं। तो रिलेशन भी दोनों में है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पढ़िए और आंसर कीजिए। मैम एग्जाम में ऐसा हो सकता है दो ऑप्शन सही लगे तो दे देंगे। अगर आप ये पूछ रहे हैं काजल कि दो आप ऑप्शन सही लगे और आप दोनों को मार्क कर दें तो कर देना, नंबर एक के भी नहीं मिलेंगे। अगर कुछ और पूछ रहे हैं तो इलैबोरेट योर क्वेश्चन, दो क्या चारों मार्क कर देना, नंबर नहीं मिलेंगे। पर चलिए बताइए 19th का आंसर दीजिए। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19th इज ऑप्शन नंबर ए। Which Greek philosopher believed that the physical world was an imperfect reflection of perfect world of forms? Plato. Physical world क्या है? हमारे forms, ideas का imperfect reflection. Right? Theory of forms, theory of ideas. आपने पढ़ी है Plato की, वहीं से आया है ये. तो Plato believed in the existence of immortal soul and importance of education and virtue. उनका कहना है दैट फिजिकल वर्ल्ड वॉज एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स विच कुड ओनली बी नोन थ्रू रीजन एंड कंटेम्पलेशन। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20th का आंसर दीजिए। का आंसर दीजिए। वेरी इजी वन, क्वेश्चन पढ़ते साथ आपको आंसर आ जाना चाहिए। यस आलम, करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज फ्रेंड्स फेनन का कीवर्ड है कॉलोनियलिज्म। द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म ऑन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, दिस इज द मेन फोकस ऑफ फ्रेंड्स फेनन्स वर्क। साइको एनालिटिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म उन्होंने पढ़ा। ठीक है जी, चलिए 21। तो कभी कभी इतने आसान सवाल भी आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं ताकि एक दो सवाल आसान के बाद बहुत डिफिकल्ट दिए जाएं और बैलेंस मेंटेन हो जाए। कुछ ना से कुछ तो सही हो, कुछ तो सही जवाब देकर के आओ आप, इसलिए आपको ऐसे सवाल भी कभी कभी दे दिए जाते हैं। चलिए 21 का आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क उनकी किताब है। यस, ओके, प्लीज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हेना आरेंट के लिए टोटेलिटेरियनिज्म क्या है? अधिनायकवाद, या फिर हिंदी में बेटर वर्ड है सर्वसत्तावाद। क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म इज अधिनायकवाद, टोटेलिटेरियनिज्म इज सर्वसत्तावाद। दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हेना आरेंट के लिए टोटेलिटेरियनिज्म क्या है? टोटेलिटेरियनिज्म इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी तो नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करना है आपको। Totalitarianism is a form of government that is based on the consent of the governed. Consent मतलब सहमति। तो क्या जिनके ऊपर शासन हो रहा है उनकी सहमति पे सर्वसत्तावाद चलता है?
वो हिटलर के रूल की बात कर रही थी, आपने सी आंसर दिया भी कैसे? रूल ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पर सर्वसत्तावाद निर्धारित होता है, आधारित होता है? नहीं, बहुत आसान था। अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, तानाशाही का अंतिम रूप अधिनायकवाद या सर्वसत्तावाद होता है। ठीक है, चलिए, गुड टू नो, इनोवेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। वॉट इज द रोल ऑफ पोलिटिकल एक्शन अकॉर्डिंग टू हैना आरेंट? वॉट इज द रोल ऑफ पोलिटिकल एक्शन अकॉर्डिंग टू हैना आरेंट? ठीक है आलम, आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी। 7 PM को आपकी जो क्लास है मुझे रिमाइंड कराना ऐप पर। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन टोटलिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म, क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स। 7 बजे की क्लास में प्लीज रिमाइंड मी। प्लीज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट सी। पॉलिटिकल एक्शन इज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कॉमन वर्ल्ड। वॉट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल एक्शन? पॉलिटिकल एक्शन इज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉमन वर्ड। हैना आरेंट कहती है कि अगर आपको एक कॉमन वर्ड चाहिए, कॉमन सरकार चाहिए, कॉमन दुनिया चाहिए, तो पॉलिटिकल एक्शन जरूरी है। शेयर्ड पब्लिक वर्ड, जहां पे हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, हर एक व्यक्ति का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, नया होगा आपके लिए, इसको मार्क करके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ओके, चलिए, जस्टिस हैना आरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। ठीक है, पर्सनल गेन और स्टेटस को तो होगा ही नहीं, जस्टिस हैना आरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए और आंसर कीजिए। प्लीज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो मैं आ जाती हूँ वापस से स्क्रीन पर, आपने पढ़ लिया होगा सवाल। ट्वेंटी थ्री का आंसर सी आपने दिया है मुझे, लेट्स चेक व्हाट इट इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाउ कम? जॉन लॉक, नेचुरल राइट्स थ्योरी, जीन जैकस रूसो, स्टेट ऑफ नेचर थ्योरी, थॉमस हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इमानुअल कांत, कैटेगोरियल इम्पेरेटिव। अच्छा ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर लॉक ने भी बात की है, हॉब्स ने भी की है, रूसो ने भी की है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों ने की है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था मेन इमानुअल कांत के हिसाब से, तो दैट इज कैटेगोरियल इम्पेरेटिव एंड विथ दिस यू कैन आंसर दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स थ्योरी दी है, प्राकृतिक अधिकार, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, और इमानुअल कांत ने कैटेगोरियल इम्पेरेटिव, इसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना था। चलिए नेक्स्ट है, हो तो वैसे सी भी सकता है ऐसे, बट अब क्या करोगे, ये तो एनटीए ने आंसर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट फॉर द डे, बताइए। तो ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है चैलेंज किया गया हो, एनटीए ने नहीं एक्सेप्ट किया हो, क्योंकि हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने ही स्टेट ऑफ नेचर की बात की, तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। चलिए आंसर कीजिए 24th का। सेकेंड लास्ट फॉर द डे, फॉर द क्लास, नॉट फॉर द डे। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है।
कार्ल मार्क्स हीगल से अग्री करते हैं कि हिस्ट्री में डायलेक्टिकल प्लान हमें देखने को मिलता है। मार्क्स के हिसाब से आइडियाज मटेरियल कंडीशन का रिजल्ट है। मटेरियल कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टू, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बिलीव्स इन द इनसेपरेबिलिटी ऑफ मैटर एंड मोशन। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहता है कि मैटर और मोशन, पदार्थ और गति आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज 25, प्लीज आंसर। और स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, इसके बाद अभी 6 बजे मेरी वर्कशॉप है बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। टॉप 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेरीज हैं उस पर बात करेंगे। तो 6 PM आपको वर्कशॉप पे जुड़ना है मेरे साथ बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर, और 7:30 पे आज क्लास रखी गई है क्योंकि 6 से 7 मेरी वर्कशॉप है ऐप पर फ्री क्लास, जो कि आपकी फ्री क्लास मैं लेती हूँ YT के बाद। और कल है वेडनेसडे, तो कल है करेंट अफेयर्स का दिन, 5 बजे और 7 बजे। तो ये क्लासेस लिख लीजिए और क्लासेस में लाइव ज्वाइन कीजिएगा। 25th का आंसर मुझे आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है, सी दे रहे हैं आप लोग, चेक करती हूँ मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपना स्कोर भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। द करेक्ट आंसर इज ए। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, वॉट लीड्स टू सोशल डेवलपमेंट? कम्युनिज्म। सोशल डेवलपमेंट, क्लास स्ट्रगल नहीं, कम्युनिज्म, साम्यवाद सोशल डेवलपमेंट की तरफ हमें लेकर के जाएगा। कैपिटलिज्म का ऑल्टरनेटिव क्या है? कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी, वही आपको विकास की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना कि सही जवाब इसका ए है, कम्युनिज्म। राइट, अपना स्कोर मुझे बताओ कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए कमेंट बॉक्स में, और 6 बजे वर्कशॉप और 7:30 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर लाइव आइएगा। एंड आई विल एंड इट हियर, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एट 7:30 PM। ऐप की क्लास के लिंक के लिए मुझे टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम आईडी आप सबके सामने लिखी हुई है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे ट्यून्ड ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल। थैंक यू।